सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जतिन शर्मा और एलविश यादव के बारे में। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आए दिन इन दोनों की कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है। तो गाइस, उसी पे एक और कंट्रोवर्सी गाइस आ चुकी है। अब पहले इन दोनों की अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी गाइस चलती रहती थी, लेकिन अब गाइस बात करते हैं तो एक नई कॉन्ट्रोवर्सी ने यहाँ पे जन्म लिया है। तो गाइस बात करें तो इन दोनों ने पबजी खेलना स्टार्ट किया। गाइस इन दोनों ने एक दूसरे के साथ गाइस रूम बना के खेलते थे। तो गाइस वहाँ पे एलविश यादव ने पहले भी हरा दिया था गाइस वहाँ पे। जैसा कि आप जानते हो कि जतिन शर्मा को एलविश यादव की वीडियो में व्लॉग वाले चैनल पे आपको पता होगा, आपने वहाँ पे देखा होगा कि एलविश यादव ने वहाँ पे हरा दिया था। तो गाइस उसी को एक्सपोज करते हुए जतिन शर्मा ने एक पूरा वीडियो बनाया था। तो गाइस वो उसी पर दिखाया था कि जो 2 OP बंदी की आईडी से एलविश यादव खेल रहे थे, गाइस वो एलविश यादव नहीं खेल रहे थे बल्कि कोई और बंदा खेल रहा था। तो गाइस आप पहले ये एक क्लिप देख लीजिए। और हाँ, अगर मैं हार गया तो मेरा नाम बदल देना, मेरे लेजेंडर को नु समझ लेना गू है। नुकरा कि तुमने तो हैक लगा रखा, नुकरा इसका हम मिटाएंगे कि हैक नहीं लगा रखा, हमको हैक लगा, हमारी उंगलियां ही हैक है भैया। यार भाई, किसने मारा? भाई ने मार दिया, ओपी ने, बंदी ने, बंदी ने। आहा, आराम मजा है। अब आई ना आवाज, एकदम तो मरती आवाज आई ना। अबे यार मार दिया, जब कहाँ चली गई थी भाई आवाज है। तो गाइस आपको ये वीडियो देखकर तो समझ में आ ही गया होगा गाइस इसमें गलत कौन था और सही कौन था, इसमें चीटिंग किसने किया था। तो गाइस मेरे हिसाब से तो एलविश यादव ने चीटिंग की थी जतिन शर्मा के साथ, और जो कि जतिन शर्मा ने उनको एक्सपोज भी कर दिया था। तो गाइस आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आप किसके साइड हो। और हालांकि मैं एलविश यादव का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन गाइस जो रियलिटी है वो रियलिटी, और रियलिटी आप सबके सामने है। तो आपको क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।